हेलो गाइस, इट्स टाइम फॉर ऑटो एक्सपो 2023। आज हम आए हैं यहाँ पर और देखते हैं लोगों के क्या कुछ रिव्यूज़ हैं यहाँ पर मौजूद कार्स को लेकर, क्योंकि इस बार की थीम है इलेक्ट्रिक थीम। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और पूछते हैं उनसे कि उन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी कार पसंद आ रही है और या फिर उनके यहाँ पर आने के क्या कुछ मोटिव और रिव्यूज़ हैं। About Auto Expo 2020. The main focus of this year's Auto Expo, I think, is about electric vehicles and the future of connected mobility. Okay, so आपको क्या लगता है कि ये अभी तक के इतने जितने Auto Expos हुए हैं, उसमें ये कितना different है और कितना new है? It is, I think, newer and it is focused on the upcoming generation of automobiles and more focused towards the future of automobiles. So that is a interesting aspect, I think. But don't you think इतने electric engines तो है ही नहीं, stations तो इतने हैं ही नहीं और इतनी electric cars आ रही हैं, उसके लिए क्या कुछ आपको लगता है कि changes होने चाहिए? There needs to be an emphasis on infrastructure on EV vehicles in India specifically, because companies are ready, they have the power to generate electric vehicles, whereas the infrastructure in India is not up to date to support these manufacturing. Exactly. So अगर हम इस गाड़ी के आगे खड़े हैं, आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये गाड़ी, मतलब क्या कुछ इसके फीचर्स आपको समझ आए? हम अभी मारुति सुजुकी जिमनी के सामने खड़े हैं। इट इज़ एन ऑफ रोड स्पेसिफिक व्हीकल एंड फोकस एट ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज एंड एज फार एज आई नो इट इज़ अ वेरी केपेबल व्हीकल। तो हाउ डू यू थिंक, अगर आप इसको रेट करेंगे तो कितने, 4 out of 5 फॉर व्हाट इट इज फोकस्ड एट। सो आपको क्या लगता है इस बार 2023 ऑटो एक्सपो में क्या अलग है? आई थिंक देयर आर लॉट मेनी कार्स ओवर हियर राइट नाउ with a lot of hybrid opportunities, flex fuel, ethanol vehicles. So I think that is a good opportunity for India to showcase all these vehicles, which will sort of reduce the pollution and make life more better for people. मगर जिस तरह से electric vehicles आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से electric stations उतने हैं नहीं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम वहाँ पे lag कर जाएंगे, मतलब इन गाड़ियों को इस्तेमाल किस तरह से? No, I think electric vehicles, the infrastructure is coming up right now. So a lot of companies have offering their charging stations in the dealerships and all these things. I have many friends of electric vehicles who have traveled to hill stations. It needs a little bit of planning, but infrastructure is coming up, so it's a promising technology. सो एज हम सामने ये वाली जो है व्हीकल देख रहे हैं और ये जहाँ पर लिखा है कि ये व्हील चेयर से लिंक्ड है, तो इसके बारे में क्या लगता है, कितना इनोवेटिव आइडिया है ये है कि जो फिजिकली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कितना हेल्पफुल? नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन यूजिंग कार्स एंड ऑलवेज दे नीड सम अदर टाइप ऑफ पीपल टू ड्राइव देम और समथिंग। दिस विल मेक देम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कि दे कैन हैव द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर एंड दे कैन कम टू द कार राइट अवे एंड स्टार्ट ड्राइविंग ऑन थिंग्स लाइक, सो इट इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। हाय, सो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है 2023 ऑटो एक्सपो कितना अच्छा है टू बी एक्सपीरियंस? एक्चुअली दिस इज हम इसीलिए आए हैं बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ईवी सेक्शंस, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जस्ट दैट्स व्हाई वी आर सो एक्साइटेड। बट वी जस्ट रीच्ड ओवर हियर, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द ब्रांड्स की उनके ईवी के न्यू सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड दिस टाइम। ओके, सो हाउ डज इट फील? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें आपके देख के, और नए कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं और अभी और आगे देख रहे हैं घूम के कि और क्या चीज़ नहीं मिलेगी, और एक नई चीज़ आई है हाइड्रो, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कार्स में जिस तरह आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कार्स में हैं, जैसे कि हम लोग सब यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर अगर आप कोई कार देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी? एक तो सेफ्टी फीचर देखते हैं, बाकी बजट वाइज भी देखना होता है, स्पेस भी होना चाहिए, स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है, फीचर्स क्या है, क्या क्या मिल रहा है, कैसे स्पेसिंग हो रखी है, कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं है, पीछे स्पेस है नहीं है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। और जैसे कि हमारी जो जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा कार्स जो है इस बारी वो इलेक्ट्रिक हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स हम कितने फॉरवर्ड हो रहे हैं और वी हैव इलेक्ट्रिक कार्स, बट हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं है एक्चुअली। बट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है, जैसे कि हमें फ्यू मंथ्स बैक इन्होंने जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, दे हैव स्टार्टेड कि उन्होंने प्रपोज किया हुआ है सारी, नॉट प्रपोज एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि वो पूरा उस हाईवे को ईवी, हाँ, इलेक्ट्रिक स्टेशन कर देंगे वहाँ पर। तो आई थिंक धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बाकी हाईवेज पर भी आ ही जाएंगी, तो वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो आपको क्या लगता है कि इस बार के 2000 इस एक्सपो में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ अलग देखने को?
भाई अलग तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वी आर द फर्स्ट यू नो वी जस्ट केम दिस टाइम ओनली बट या वी आर रियली एंजॉयिंग इट लेक्सस कार्स आर रियली गुड एंड वी आर नॉट सीन फुल सो वी विल सी यू नो व्हाट ऑल एल्स इज देयर आपको क्या लगता है आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस शोज एंड दिस शो द डिफरेंस इज दैट देयर आर अ फ्यू ब्रांड्स मेनी ब्रांड्स आर नॉट देयर इन द एक्सपो एंड इस बार का ये भी अलग है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है हाँ लॉन्ग टाइम के लिए तो अच्छा है पोल्यूशंस के लिए लेकिन अभी जो प्राइस रेंज है दे आर स्टिल हायर आई थिंक व्हेन द प्राइस विद द कंपटीशन द प्राइस विल गो डाउन सो देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कार्स विल हैव अ मार्केट फॉर इट अच्छा आप मुझे बताइए कि आप अगर कोई कार देखती है तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या पसंद करती है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टफुल क्या हो Traction, I must say, mileage should be good, first of all. Then it should be good look-wise also. And the car should be comfortable inside and the interior should also look good. And आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी कार आपको यहाँ पर कौन सी That blue Lexus. तो आपको अब तक का ये 2023 का ये ऑटो एक्सपो कैसा लगा देखो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई एम विजिटिंग लाइक फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ And especially the car artist section is very nice. It's a new concept we can see in the designs. Whereas the focus is all on electric, but यहाँ पे car artist zone में कुछ नया ही देखने को मिला है जो waste car तो waste material से ये car बनाई waste material से car बनाई और बहुत ही अच्छा concept लगा so I'm an electronics engineer and I can relate की electronic की सारी items लगाई हैं and how they have designed the car उसकी seats आप देखोगे तो it's like the keyboard they have used so it's like mind blowing the इनकी जो 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 अब जो जो चेंज हुआ है जो उनकी समझ है बहुत ही अच्छी हो गई न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए एक्चुअली मेरे बेटे को एक्चुअली बहुत कार लविंग है वो तो उसके लिए मुझे भी आना पड़ा कि वो मतलब बहुत ज़्यादा शौक है उसको इस चीज़ के लिए तो जैसे आप अगर कोई कार खरीदती हैं तो आप सबसे पहले उसके अंदर क्या नोटिस करते हैं क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बेसिकली जो मतलब कम्फर्टेबल होना चाहिए मतलब बैठने सीट वगैरह कंफर्ट जोन देखते हैं उस चीज़ को डिज़ाइन कैसा है उसका अट्रैक्शन वही होगा कैसा लग रहा है 2023 ऑटो एक्सपो में बहुत अच्छा लगा आके और देखा हमारा देश बहुत आगे जा रहा है व्हीकल फील्ड में भी और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं ये इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पर मौजूद है तो कैसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है इंडिया या फिर क्या कुछ फील आ रहा है देखिए ये फ्यूचर है और जिस हिसाब से फ्यूल का हमारा मतलब पॉल्यूशन जो बढ़ रहा था तो ईवी पर डिपेंड हमारे होना ही है आगे तो ईवी हमारा फ्यूचर है और जैसे ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ तो बहुत सारी बन रही हैं लेकिन उतने पावर स्टेशंस नहीं हैं इलेक्ट्रिक स्टेशंस उतने नहीं हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि इस पर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो पहले हमने सीएनजी पे भी देखा था अब जगह जगह सीएनजी स्टेशन से लगता है मुझे अब इलेक्ट्रिक स्टेशन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ऑटो अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कार्स मारुति की ज़्यादा सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आप हमें कमेंट्स के जरूर बताएगा कि आपको 2023 ऑटो एक्सपो में क्या कुछ अच्छा लगा और क्या कुछ एक्साइटिंग और न्यू लगा